सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अपनी इंटरकास्ट मैरिज की वजह से खबरों में बने हुए हैं। दोनों ने अपने धर्म से ऊपर प्यार को चुना और रजिस्टर मैरिज करके अपने रिश्ते को नया नाम दिया। लेकिन अब इस शादी के खिलाफ एक पोस्टर सामने आया है जो खुद को हिंदू शिव भवानी सेना का अध्यक्ष बताने वाले शख्स ने पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में लिखा गया कि सोनाक्षी सिन्हा को और जहीर को बिहार में घुसने नहीं दिया जाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा बिहार के रहने वाले हैं, ऐसे में बेटी सोनाक्षी की शादी के खिलाफ ऐसा पोस्टर परिवार के लिए बहुत दुखद साबित हो सकता है, बिकॉज हिंदू मुस्लिम विवाद ने पूरे परिवार की खुशियों को बहुत ही मातम का रंग दे दिया है। हिंदू शिव भवानी सेना की तरफ से लगाए गए इस पोस्टर में साफ साफ लिखा है, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी लव जिहाद को बढ़ावा देती है, पूरे देश को इस्लामीकरण करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद पोस्टर में आगे लिखा है, शत्रुघ्न सिन्हा की शादी के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, नहीं तो अपने बेटे लव और कुश को अपने घर रामायण का नाम तुरंत बदल देना चाहिए, इससे हो रहा है हिंदू धर्म का अपमान। सोनाक्षी सिन्हा को हिंदू शिव भवानी सेना ने बिहार में घुसने नहीं देने का दावा किया है। इस पोस्टर को लेकर पूरे देश में काफी चीजें लेकर हो रही है। एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा इस बात से बहुत आहत है कि उनके होम गृह बिहार में उनके खिलाफ ऐसी पोस्टरबाजी हो रही है, दूसरी तरफ उनकी शादी को लेकर बहुत ज्यादा मातम का माहौल भी इसलिए बन चुका है बिकॉज इस सेना से लेकर बाकी पार्टियां भी किसी न किसी तरीके से सारे में इस मैरिज को बैकआउट कर चुकी है। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि बेटी की मैरिज को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा बहुत खुश नहीं है और हो सकता है अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए वो मौजूद न रहे, बट बाद में बेटी ने माँ बाप को मना लिया। हालांकि भाई बहन को नहीं मना पाई, इसलिए बिहार में उनके भाई बहन के खिलाफ भी पोस्टर लगे हैं और परिवार के खिलाफ भी एक तरह का फतवा जारी हुआ है। हालांकि जहीर इकबाल के फादर ने साफ साफ कहा था, वो ना तो किसी लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं, ना ही वो किसी तरीके से अपने बहू को धर्म बदलने की या बुर्का पहनने की दबाव महसूस कराएंगे। यहाँ तक कि सोनाक्षी सिन्हा के धर्म परिवर्तन के सवाल को भी उन्होंने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। फिर भी बिहार में पोस्टरबाजी हो रही है, पूरा मामला तूल पकड़ रहा है और सोनाक्षी के पूरे मैरिज वाले मामले को स्कैंडल का रंग दे दिया गया है। अब सोनाक्षी सिन्हा की मैरिज पूरी तरीके से उनका व्यक्तिगत मामला है, ऐसे में बिहार की कोई भी सेना हो ऐसे पोस्टरबाजी से बचना चाहिए। पूरे बिहार में इंटरकास्ट मैरिज होती है, ऐसे में सेलिब्रिटीज को कटघरे में खड़ा करना बहुत ही गलत बात है, वो भी तब जब पूरा परिवार उस मैरिज के साथ खड़ा हुआ है। हालांकि पोस्टरबाजी इस बात का हवाला दिया गया कि उनके घर का नाम रामायण है, बेटों का नाम लव कुश है, लेकिन इस बात से रामायण का संबंध ये नहीं हो जाता कि वो किसी भी धर्म में जाने की आजादी न रखें। अगर सोशल मीडिया और ट्रोलर्स अपनी हेट को न फैलाएं तब दोनों कपल अपनी मैरिज को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और बिना किसी लव जिहाद के या हिंदू मुस्लिम बहस के वो अपनी मैरिज में खुश रह सकते हैं। हमें मैच्योर होने की जरूरत है बिकॉज किसी भी तरह के लव जिहाद को, हिंदू मुस्लिम मैरिज को टैग करना, उसके खिलाफ पोस्टर लगाना किसी भी तरीके से सभ्य समाज की निशानी नहीं है।